थे आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन यूट्यूब चैनल में। सभी साथी वीडियो को एक बार लाइक कर देंगे दोस्तों, एक बार शेयर कर देंगे, ठीक है। जिन भी साथियों ने सेल्फ स्टडी क्लासेस का अभी तक ऐप डाउनलोड नहीं किया, ये वाला कि सेल्फ स्टडी क्लासेस का सभी साथी ऐप डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर टीजीटी पीजीटी का जिनको भी एडमिशन लेना है, नवरात्रि ऑफर आ गया है। अब 1500 में नहीं, 1200 में दोस्तों, 1200 में 12 महीने के लिए इस कोर्स में एडमिशन अभी ले सकते हैं दोस्तों। बढ़िया ऑफर है, बढ़िया समय है, कम टाइम में भी आप अच्छी तैयारी यहां पर आकर के कर सकते हो। टीजीटी पीजीटी वाले साथी, एनबीएस केबीएस वाले सभी साथियों के लिए एक बढ़िया मौका, 1200 में 12 महीने। ऐप में जाइए, सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप डाउनलोड करिए, इस वाले कोर्स को आप परचेज कर सकते हो। जिनको ये 3000 एमसीक्यू की बुक मंगवाना है, मात्र 599 में मंगवा सकते हो दोस्तों अपने घर पर, जिसमें टॉपिक वाइज एमसीक्यू है। टीजीटी पीजीटी के लिए, एमपी टेट केबीएस आदि एग्जामों के लिए बहुत ही उपयोगी ये बनाई गई है दोस्तों, ठीक है। और जिन भी साथियों को ये नोट्स मंगवाना, हिंदी साहित्य के गद्य और पद्य साहित्य के विस्तृत भी हैं दोस्तों, क्रमबद्ध भी हैं, और साथ में जगह जगह आप महत्वपूर्ण ट्रिक भी इसमें बनाई गई है, ठीक है। सो जिनको भी मंगवाना हो, ये दो पार्ट है दोस्तों, गद्य और पद्य साहित्य के, जिनको भी मंगवाना है मंगवा सकते हो अपने घर पर बाई पोस्ट के माध्यम से, ठीक है। और दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। आज अपन को महत्वपूर्ण कथन पढ़ना है दोस्तों। यहां पर कथन दिए हैं, कबीर के निर्गुण पंथ का आधार भारतीय वेदांत और सूफियों का प्रेम तत्व है, ये कथन किसका है? कथन किसका है? आज महत्वपूर्ण कथनों पर अपन चर्चा करेंगे। और दोस्तों सभी लोग यहां पर बता दो जल्दी से, कबीर के निर्गुण पंथ का आधार भारतीय वेदांत, भारतीय वेदांत और सूफियों का प्रेम तत्व है, प्रेम तत्व है, ये कथन किसका है? चयन कर दो जल्दी से, एक बार लाइक भी कर देना हमारे सभी साथी, जल्दी से बता दो यहां पर राइट आंसर चयन करना है। और बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत अच्छे से पढ़ना, कबीर के निर्गुण पंथ का आधार भारतीय वेदांत और सूफियों का प्रेम तत्व, ये कथन किसका है? तब सभी साथियों ने बताया कि सर ये कथन है रामचंद्र शुक्ल जी का, यानी कि आपका जो ए नंबर है रामचंद्र शुक्ल वाला कथन, ये नंबर बिल्कुल सही है, ये नंबर राइट आंसर है, ठीक है। कबीर के निर्गुण पंथ का आधार भारतीय वेदांत और सूफियों का प्रेम तत्व रामचंद्र शुक्ल का कथन है। मौन की अभिव्यंजना है, जितना तुम्हारा सच है उतना ही कहो, ये कथन किसका है बताओ? 12 नंबर, मौन एक अभिव्यंजना है, जितना तुम्हारा सच है उतना ही कहो, ये कथन बताना है। 2 नंबर का क्वेश्चन है, 2 नंबर के क्वेश्चन में देखते हैं कौन कौन सही लगा पा रहा है। सभी लोग बताएंगे, दारसू शर्मा जी, मौन, मैंने कहा आप मौन रह सकते हो 24 घंटे, क्या बोलोगे? अग्गे, मौन रह सकते हो 24 घंटे, बोले अग्गे, तो यहां पर मौन की बात हुई है, तो यहां पर अग्गे, यानी कि आपका जो ये नंबर है, ये नंबर बिल्कुल सही है, ये नंबर जिन्होंने लगाया राइट आंसर, बहुत बढ़िया, ठीक है। 1873 में हिंदी नई चाल में ढली, ये कथन किसका है? आज दोस्तों कथन पर थोड़ा सा फोकस हो रहा है, आप लोगों से कितना बढ़ रहा है कितना नहीं बढ़ रहा है, ठीक है। हिंदी नई चाल में ढली, ये कथन किसका है? डॉक्टर नगेंद्र का। चयन कर दो वीडियो को, लाइक शेयर भी कर देना, बताइए। निराला भारतेंदु अग्गे किसका है? 3 नंबर का क्वेश्चन है, 3 नंबर के क्वेश्चन में सभी लोगों को पता है कि सर 1873 में हिंदी नई चाल में ढली, ये कथन है भारतेंदु जी का। और रामविलास शर्मा ने क्या कहा था कि 1873 में हिंदी नई चाल में ढली, ये बहुत पहले हो चुका था, ये रामविलास शर्मा ने कहा था, ठीक है, बहुत बढ़िया। अंतःकरण की वृत्तियों का नाम कविता, ये कथन किसका है? ये क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों पिछली बार, अंतःकरण की वृत्तियों का नाम कविता है, ये कथन किसका है? प्रैक्टिस करिए, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस बने सभी लोग करिए। जाहिद अली जी, सभी लोग बताइए, वीडियो को शेयर भी कर देना हमारे सभी साथी। और जिनको भी नोट्स मंगवाना दोस्तों, हिंदी साहित्य के गद्य पद्य साहित्य के ट्रिकी नोट्स मंगवाना है, जो आप अपने घर पर दोस्तों मंगवा सकते हो मात्र 1600 रुपए में पोस्ट चार्ज सहित। जिनको 3000 एमसीक्यू की बुक मंगवाना है, वो मात्र दोस्तों मंगवा सकते हैं 599 में। और जिनको तीनों मंगवाना है, 2100 में मंगवा सकते हो। अंतःकरण की वृत्तियों का नाम कविता है, ये कथन किसका है? सभी साथियों का आंसर आ रहा है कि सर ये कथन है महावीर प्रसाद द्विवेदी का। सी नंबर आपका बिल्कुल सही है, सी नंबर राइट आंसर, वेरी गुड। प्रगतिवाद समाजवाद की ही साहित्य का अभिव्यक्ति है, बताइए ये कथन किसका है? प्रगतिवाद समाजवाद की ही साहित्य का अभिव्यक्ति है। 5 नंबर का क्वेश्चन है,
सभी साथी बताइए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए दोस्तों, लाइक भी करना है, जल्दी से बताओ। पांच नंबर का क्वेश्चन है, प्रगतिवाद, प्रगतिवाद के बारे में बताइए, चयन करिए सही आंसर क्या जा रहा है, बताओ। प्रगतिवाद समाजवाद की साहित्यक अभिव्यक्ति है, साहित्यक अभिव्यक्ति है, ये कथन किसका है, और ये कथन आप लोगों ने बताया कि सर ये कथन नगेंद्र का है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। डॉक्टर नगेंद्र का कथन है कि प्रगतिवाद समाजवाद की साहित्यक अभिव्यक्ति है, डॉक्टर नगेंद्र, ये नंबर बिल्कुल सही है, ठीक है, वेरी गुड आंसर। केवल प्रेम लक्षणाशक्ति का आधार ग्रहण करने के कारण कृष्ण भक्ति शाखा में अश्लील विलासिता की प्रवृत्ति जागृत हुई, ये कथन किसका है, केवल प्रेम लक्षणाशक्ति का आधार ग्रहण करने के कारण कृष्ण भक्ति शाखा में अश्लील विलासिता की प्रवृत्ति जागृत हुई, ये कथन बताना है। छह नंबर का क्वेश्चन है, सुनीत जी, अनिल जी बताइए, आनंद जी, सुनीत जी, सभी लोग बताएंगे और लाइक जरूर कर देंगे, बढ़िया सा क्वेश्चन है ना, और बढ़िया सा वीडियो है दोस्तों आज का, चयन करो। केवल प्रेम लक्षणाशक्ति का आधार ग्रहण करने के कारण कृष्ण भक्ति शाखा में अश्लील विलासिता की प्रवृत्ति जागृत हुई, ये कथन किसका है। छह नंबर का शानदार क्वेश्चन है, और छह नंबर का देखते हैं कौन कौन सही बता पाते हैं, बहुत सारे लोग बिल्कुल सही बता रहे कि सर ये जो कथन है, ये कथन है रामचंद्र शुक्ल का, रामचंद्र शुक्ल का कथन है, ये नंबर आपका बिल्कुल सही है। केवल प्रेम लक्षणाशक्ति, लक्षणाशक्ति का आधार ग्रहण करने के कारण कृष्ण भक्ति शाखा में अश्लील विलासिता की प्रवृत्ति जागृत हुई, ये कथन है राम विलास शर्मा का, ठीक है। कार सप्तक के कवियों को राहों का निवेशी किसने कहा, सात नंबर का क्वेश्चन है, सभी लोग बताइए, और सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप जरूर डाउनलोड कर लो दोस्तों, सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर ले सभी साथी। तार सप्तक के कवियों को राहों का अन्वेषी किसने कहा है, किसने कहा है, शानदार क्वेश्चन है। दीक्षा जी, नीतू जी, लवली ठाकुर जी, सात नंबर का क्वेश्चन है, सात नंबर के क्वेश्चन में सभी लोगों को बताना है, ऐसे ही दोस्तों क्वेश्चन बन रहे हैं अब आप सभी साथियों के लिए, है ना, जल्दी से जिनको भी दोस्तों, जो भी हमारे पैड वाले साथी हैं उनके लिए प्रैक्टिस चालू होने वाली है कथन और पंक्तियों की, है ना, जैसे ही आपका नई कविता समाप्त होगा और अन्य विधाएं उसके बाद ये चालू हो जाएगा। एक नमूना आप लोगों के लिए प्रस्तुत किया है, इस प्रकार से भी अध्ययन आपको चालू करना है। तार सप्तक के कवियों को राहों का अन्वेषी कहा है किसने, अज्ञे जी ने, किस सप्तक की भूमिका में कहा था, तो इन्होंने तार सप्तक की भूमिका में कहा था दोस्तों, ये याद रख लेना, तार सप्तक यानी कि प्रथम वाला तार सप्तक, 1943 वाला तार सप्तक, इसमें इन्होंने दोस्तों तार सप्तक के कवियों को राहों का अन्वेषी कहा था, ठीक है, किसने, अज्ञे जी ने, डी नंबर आपका सही है। प्रगतिवाद साम्यवाद का पोषक है और पूंजीवाद का शत्रु है, ये कथन किसका है, आठ नंबर में, सभी लोग बताइए, प्रगतिवाद, प्रगतिवाद बताना है, प्रगतिवाद के बारे में बताइए, प्रगतिवाद साम्यवाद का पोषक है और पूंजीवाद का शत्रु है, पूंजीवाद का शत्रु है, शानदार क्वेश्चन, महावीर प्रसाद द्विवेदी का है, डॉक्टर नगेंद्र रामचंद्र शुक्ल या फिर निराला का कथन है, आठ नंबर में, नीतू जी आठ नंबर का शानदार क्वेश्चन है, सभी लोगों को बताए कि सर प्रगतिवाद साम्यवाद का पोषक और पूंजीवाद का शत्रु, शत्रु अपन ने बताया कि कई लोग नांग को शत्रु समझते हैं, नांग को, है ना, तो नांग से क्या हो जाएगा, नगेंद्र शत्रु, ठीक है, शत्रु नगेंद्र, डी नंबर, सी नंबर आपका सही है। छायावाद व्यक्तिवाद की कविता है, छायावाद व्यक्तिवाद की कविता है जिसका आरंभ व्यक्ति के महत्व को स्वीकार करने करवाने से हुआ है, ये कथन किसका है, नौ नंबर का क्वेश्चन है, बताइए वंदना जी, चयन करिए। छायावाद व्यक्तिवाद की कविता है जिसका आरंभ व्यक्ति के महत्व को स्वीकार करने करवाने से हुआ है, ये कथन बताना है। दीपक पवार जी नाम बार से, निराला, हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर मलयज, किसका कथन है, नौ नंबर का शानदार क्वेश्चन पूछा गया, बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन पूछा गया है, और सभी लोग बता रहे कि सर व्यक्तिवाद, छायावाद व्यक्तिवाद की कविता है, व्यक्तिवाद की कविता है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड आंसर, राइट आंसर नामवार से, नामवार से, ये नंबर आपका बिल्कुल सही आंसर चला गया, बहुत शानदार क्वेश्चन बताया है। जिन भी साथियों को एडमिशन लेना है दोस्तों, वो एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है, मात्र 1200 रुपए में, अभी नवरात्रि ऑफर आ गया दोस्तों, है ना, माँ दुर्गा ने कहा कि ऑफर निकाल दो, ऊपर से ऑफर आ गया, नवरात्रि ऑफर, मात्र 1200 में 12 महीने के लिए आप एडमिशन ले सकते हैं,
मनुष्यों की मुक्ति की तरह कविता की भी मुक्ति होती है। मनुष्यों की मुक्ति कर्मों के बंधन से छुटकारा पाना है और कविता की मुक्ति छंदों के शासन से अलग हो जाना है। ये जो कथन है ये कथन किसका है? 10 नंबर का शानदार क्वेश्चन है, सभी लोग बताएंगे, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। नीतू जी, कंचन जी, सुषमा जी, स्टेटस जी, मोहित जी, और सभी का आंसर गया है कि सर मनुष्यों की मुक्ति की तरह कविता की मुक्ति भी होनी चाहिए, है ना। और मुक्ति कैसी होनी चाहिए? मुक्ति तो बड़ी निराले तरीके से होनी चाहिए। तो निरा आपका बिल्कुल सही है, निराला आपका राइट आंसर है, सी नंबर आपका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, बिल्कुल बहुत बढ़िया आंसर है ना। तो यहां पर आते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ाते हैं दोस्तों। यहां पर है ना, अगला क्वेश्चन आपके दोस्तों स्क्रीन पर आने वाला है। कबीर की उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार है, ये कथन किसका है? कबीर की उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार है, ये कथन किसका है? महावीर प्रसाद द्विवेदी का, रामचंद्र शुक्ल का, किशोरी लाल वाजपेयी, या फिर कामता प्रसाद गुरु का? पुष्पा जी, आनंद जी, बताओ। शानदार क्वेश्चन, कबीर की उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव है, विलक्षण प्रभाव और चमत्कार है, ये कथन बताना है। बहुत ही अच्छा कथन है, शानदार कथन पूछा गया दोस्तों। लाइक कर दो जल्दी से एक बार। और शानदार कथन में 11 नंबर का क्वेश्चन है, कबीर की उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार है, ये जो कथन है ये कथन है रामचंद्र शुक्ल का। सी नंबर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सी नंबर। आरंभ में ही रामचंद्र शुक्ल के प्रभाववश मेरे मन में भारतीय रस सिद्धांत के प्रति गहरी आस्था हो गई। शुक्ल जी का मेरे मन पर विचित्र आतंक और प्रभाव रहा है, ये कथन किसका है? 12 नंबर का शानदार क्वेश्चन पूछा गया है, जल्दी से बताइए और एक बार लाइक जरूर कर दीजिए। नीलम जी, दारसू जी, आरंभ में ही रामचंद्र शुक्ल के प्रभाववश मेरे मन में भारतीय रस सिद्धांत के प्रति गहरी आस्था हो गई। शुक्ल जी का मेरे मन पर विचित्र आतंक और प्रभाव रहा है, ये कथन किसका है? ये कथन 12 नंबर का शानदार क्वेश्चन है। और 12 नंबर के शानदार क्वेश्चन में सभी का आंसर जा रहा है कि सर ये जो कथन है, ये कथन है ना, ये अपन को याद कर लेना, विचित्र आतंक, आतंक, आतंक की बात, आतंक और गहरा प्रभाव, आतंक कर रहा है कौन? नांग यानी नगेंद्र, नगेंद्र याद कर लेना ये नंबर। ठीक है, वेरी गुड आंसर। अच्छा लग रहा है वीडियो तो लाइक जरूर कर देना, मुझे प्रोफेसरों के बीच छायावाद सिद्ध करना पड़ेगा, ये कथन किसका है? मुझे प्रोफेसरों के बीच छायावाद सिद्ध करना पड़ेगा। चयन करो, नंदलाल वाजपेयी का कथन है, डॉक्टर नगेंद्र का है, बताइए नेहा तिवारी जी, बिल्कुल ये लाइव क्लास है, राम नरेश त्रिपाठी का है, डॉक्टर नगेंद्र का है, या फिर निराला का है, बताइए। दीप्ति जी, मुझे प्रोफेसरों के बीच छायावाद सिद्ध करना पड़ेगा, 13 नंबर का क्वेश्चन है। और 13 नंबर के क्वेश्चन में सभी साथियों का आंसर जा रहा है कि सर छायावाद सिद्ध कैसे करोगे? बोले हम निराले तरीके से करेंगे। छायावाद सिद्ध कैसे करोगे? बोले सर छायावाद सिद्ध करना है तो हम निराले तरीके से करेंगे। तो एक कथन है निराला जी का, यानी कि आपका डी नंबर जो है वो शानदार क्वेश्चन है ना। छायावाद एक विशाल सांस्कृतिक चेतना का परिणाम था जिसमें कवियों की भीतरी आकुलता ने ही नवीन भाषा शैली में अपने को अभिव्यक्त किया, ये कथन किसका है? छायावाद एक विशाल सांस्कृतिक चेतना का परिणाम था जिसमें कवियों की भीतरी आकुलता ने ही नवीन भाषा शैली में अपने को अभिव्यक्त किया, यह कथन किसका है? पंत का, हजारी प्रसाद प्रेमचंद, या फिर नंद दुलारी वाजपेयी का? 14 नंबर का शानदार क्वेश्चन पूछा गया है, सभी लोग बताएंगे जल्दी से। अस्मित ठाकुर जी, और सभी का आंसर चला गया कि छायावाद एक विशाल सांस्कृतिक चेतना का परिणाम था, ये कथन है क्या? हजारी प्रसाद द्विवेदी, विशाल सांस्कृतिक यानी कि हजारों सांस्कृतिक चेतना है ना, तो हजारों से हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी नंबर आपका बिल्कुल सही है। कबीर की अपेक्षा खुसरो का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक था, ये कथन किसका है? कबीर की अपेक्षा खुसरो का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक था, ये कथन बताना है। लाइक कर देना सभी साथियों को, शेयर कर देना है ना। ऐसा ही अध्ययन चालू हो रहे वाला है दोस्तों पैड क्लास में, क्योंकि पैड क्लास में बस अंतिम क्लासें चल रही हैं,
है ना, कोर्स खत्म होने वाली, उसके बाद शानदार अध्ययन किया जाएगा। अभी भी आपके पास मौका, अगर आपको एडमिशन लेना है तो एक ऑफर आया है 12 महीने में, है ना, 1200 में 12 महीने वाला। जिनको भी एडमिशन लेना, सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लो और दोस्तों एडमिशन लेकर के अपना अध्ययन चालू कर सकते हो। कबीर की अपेक्षा खुसरो का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक था, एक कथन किसका, 15 नंबर का शानदार क्वेश्चन पूछा गया और आपका उत्तर है कि सर एक कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, ये नंबर जिन्होंने लगाया बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, स्वतंत्र मूल्य होने पर भी सौंदर्य की सत्ता निरपेक्ष नहीं है, वह जीवन के अन्य बृहत्तर मूल्यों के साथ पुरुषार्थ, आध्यात्मिक तथा नैतिक सामाजिक मूल्यों के साथ अनिवार्य रूप से संबंध है, ये कथन किसका है। 16 नंबर का शानदार क्वेश्चन है ज्योति राव जी हरिश्चंद्र जी, स्वतंत्र मूल्य होने पर भी सौंदर्य की सत्ता निरपेक्ष नहीं है, ये कथन बताना है, बताइए। प्रियंका जी, शानदार कथन है, अभ्यास करना है दोस्तों बार बार, ये कथन भी आपसे आने लगेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, है ना। 16 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है, 16 नंबर का क्वेश्चन आपको बताना है और सभी का आंसर जा रहा है कि सर स्वतंत्र मूल्य होने पर भी सौंदर्य की सत्ता निरपेक्ष नहीं है, ये जो कथन है ये कथन है मनीष पांडे जी, मीना सिंह जी, ये कथन है डॉक्टर नगेंद्र का। किसका है? डॉक्टर नगेंद्र जी का है, यानी कि आपका जो सी नंबर है, स्वतंत्र मूल्य होने पर भी सौंदर्य की सत्ता निरपेक्ष नहीं है, कथन है डॉक्टर नगेंद्र। ठीक है, बहुत बढ़िया, शानदार क्वेश्चन पूछा गया है, अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, बच्चन और दिनकर दोनों प्रतिद्वंदी कवि हैं, बच्चन की भाषा दिनकर से जोरदार है, दिनकर के भाव बच्चन से अधिक उन्मादक, सारवान और दोस्तों सामयिक हैं, है ना, दोनों में जो एक दूसरे को ग्रहण कर लेगा वही हिंदी कविता के वर्तमान और अगले युग का नेता होगा, एक कथन बताना है। सभी लोग बताइए बच्चन और दिनकर के बारे में, ये जो कथन कहा है ये किसने कहा है, शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। किसने कहा है? राम नरेश त्रिपाठी जी ने, निराला जी ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या फिर नामवर सेन ने। बच्चन और दिनकर दोनों प्रतिद्वंदी कवि हैं, बच्चन की भाषा दिनकर से जोरदार है, दिनकर के भाव बच्चन से अधिक उन्मादक और सारवान और सामयिक हैं दोस्तों। तो यहां पर आपको बताना है, 17 नंबर का शानदार क्वेश्चन पूछा गया है, सभी का आंसर है कि सर ये जो कथन है ये कथन किसका है, ये कथन बताना है। और सभी लोगों ने बताया कि सर बहुत सारे लोगों ने सी लगा दिया है, आओ देखा ना ताओ और लगा दिया क्या रामचंद्र शुक्ल, जबकि कथन है राम नरेश त्रिपाठी का, राम नरेश त्रिपाठी जी का कथन है कि बच्चन और दिनकर दोनों प्रतिद्वंदी कवि हैं, बच्चन और दिनकर, बच्चन की भाषा दिनकर से जोरदार है। ठीक है, ये कथन है राम नरेश त्रिपाठी जी का। त्रिपाठी जी ये नंबर लगा देना, यहां एक ऐसा दल है जो उच्च शिक्षित दल है, शायद सोशलिस्ट भी है, ये उच्च शिक्षित जन कुछ लिखते भी हैं, इनमें मुझे संशय है, शायद इसलिए लिखने का एक नया आविष्कार इन्होंने किया, ये कथन किसका है। 18 नंबर का क्वेश्चन है, 18 नंबर के क्वेश्चन में सभी लोग बताएंगे, यहां एक ऐसा दल है जो उच्च शिक्षित दल है, दल शायद सोशलिस्ट भी है, ये उच्च शिक्षित जन कुछ लिखते भी हैं, बताओ, इसमें मुझे संशय है, शायद इसलिए लिखने का एक नया आविष्कार इन्होंने किया, बताइए कथन किसका। 18 नंबर का शानदार क्वेश्चन है, 18 नंबर के क्वेश्चन में सभी लोग बता रहे हैं, बताइए। यहां एक ऐसा दल है जो उच्च शिक्षित दल है, 18 नंबर के प्रश्न में सभी साथी बता रहे कि सर ये जो कथन है ये कथन है निराला जी का। किसका है? निराला का। यहां एक ऐसा दल है जो उच्च शिक्षित दल है, शायद सोशलिस्ट भी है, उच्च शिक्षित जन कुछ लिखते हैं, है ना, तो आपका उत्तर है ये नंबर निराला, निराला। ठीक है, बहुत बढ़िया, अगला क्वेश्चन यहां पर आ रहा है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है कि सर प्रकृति के नाना रूपों के साथ केशव के हृदय का सामंजस्य कुछ भी ना था, ये कथन किसका है। 19 नंबर में लवली जी बताइए, प्रकृति के नाना रूपों के साथ केशव के हृदय का सामंजस्य कुछ भी ना था, ये कथन किसका है। किरण जी बताइए, शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, कोई बात नहीं है, आज नहीं बन रहे, अभ्यास करिए, बनेंगे जरूर, लेकिन अभ्यास जरूर करना है, जितना हो सके उतना अभ्यास करिए,
प्रकृति के नाना रूपों के साथ केशव के हृदय का सामंजस्य कुछ भी ना था, ये कथन किसका है? शानदार क्वेश्चन। 19 नंबर में सभी लोग बता रहे कि सर ये जो कथन है बहुत बढ़िया कथन पूछ लिया। बोले सर प्रकृति के नाना रूपों के साथ केशव के हृदय का सामंजस्य कुछ भी ना था, ये कथन है रामचंद्र शुक्ल का। सी नंबर आपका बिल्कुल सही आंसर है, सी नंबर बिल्कुल सही लगाया, बहुत बढ़िया आंसर। ठीक है, माना अथवा प्रकृति के सूक्ष्म में किंतु व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भान मेरे विचार से छायावाद की एक सर्वमान्य व्याख्या हो सकती है, ये कथन किसका है? 20 नंबर का क्वेश्चन बताना है। मानव अथवा प्रकृति के सूक्ष्म में किंतु किंतु व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भान मेरे विचार से छायावाद की एक सर्वमान्य व्याख्या हो सकती है, ये कथन बताना। बालकृष्ण भट्ट का है, प्रेमचंद नंदलाली वाजपेयी या डॉक्टर बच्चन सिंह का? 20 नंबर का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और सभी लोग लगा रहे हैं 20 नंबर के क्वेश्चन में कि सर ये कथन है ना आध्यात्मिक छाया का भान, आध्यात्मिक छाया का भान हो गया किसको हो गया? बोले सर नंद को हो गया, नंद दुलारी वाजपेयी। सी नंबर, बच्चन में दूसरों को रुला सकने की अपूर्व क्षमता है, ये कथन किसका है? बच्चन में दूसरों को रुला सकने की दोस्तों अपूर्व क्षमता है, बताइए। कथन रामविलास शर्मा का है, रामकुमार वर्मा मुक्तिबोध या फिर डॉक्टर देवराज? साधना जी बताइए। जिया जी, तेज प्रकाश जी, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। बच्चन में दूसरों को रुला सकने की अपूर्व क्षमता है, ये कथन बताना है। 21 नंबर का शानदार क्वेश्चन बताना है और सभी लोग बता रहे हैं कि सर दूसरों को रुला सकने, दूसरों को मुक्ति दिलाने की क्षमता है किसमें? बच्चन में, बच्चन यानी कि मुक्तिबोध। सी नंबर आपका बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया आंसर बताया है। साहित्यकार देशभक्ति और राजनीति के पीछे चलने वाली सच्चाई भी नहीं बल्कि उनकी आगे मसाल दिखाती हुई चलने वाली सच्चाई है, ये कथन किसका है? साहित्यकार देशभक्ति और राजनीति के पीछे चलने वाली सच्चाई भी नहीं बल्कि उनकी आगे मसाल दिखाती हुई चलने वाली सच्चाई है, ये कथन किसका है? 22 नंबर का क्वेश्चन है, 22 नंबर के शानदार क्वेश्चन में वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों, ऊपर से जा रहा है जाने दो, लेकिन प्रश्न को पढ़ना है क्योंकि ये कथन आपके एग्जाम में आना ही है। टीजीटी पीजीटी में तो देख लेना, साथ साथ कथन तो आपको मिल ही जाएंगे वहां पर। तो साहित्यकार देशभक्ति और राजनीति के पीछे चलने वाली सच्चाई भी नहीं बल्कि उनके आगे मसाल दिखाती हुई चलने वाली सच्चाई है, 22 नंबर का शानदार क्वेश्चन पूछा है और सभी का आंसर जा रहा है कि सर ये जो कथन है ये प्रेमचंद का है, प्रेमचंद का। नीतू जी बिल्कुल सही आंसर है, ये नंबर बहुत बढ़िया आंसर। छायावादी कभी नारी के अंगों की मांसलता के प्रति आकृष्ट ना होकर उसके मन और आत्मा के सौंदर्य पर मुग्ध होता है, वह रूप के माध्यम से अभिव्यक्ति उसके हृदय के माधुर को अनावृत करता है, ये कथन बताना है। 23 नंबर का क्वेश्चन है, छायावादी कवि नारी के अंगों की मांसलता के प्रति आकृष्ट ना होकर उसके मन और आत्मा के सौंदर्य पर मुग्ध होता है, ये कथन बताना है, बताइए। मुस्कान जी, रश्मि, शांति वर्मा जी, 23 नंबर का क्वेश्चन है, इस वीडियो को बार बार देख लेना, अपने मित्रों को भी शेयर कर देना दोस्तों। ऐसा ही अध्ययन है ना, ऐसा ही अध्ययन चालू होने वाला है, पेड क्लास में आपको कथन का अभ्यास करवाया जाएगा, पंक्तियों का ज्यादा से ज्यादा अभ्यास करवाया जाएगा ताकि जहां पर आपकी गाड़ी अटकती है वो चीजें आपकी क्लियर हो, है ना। इसलिए अभी ऑफर भी दिया है कि जिनको भी एडमिशन लेना है 1200 में अभी एडमिशन ले सकते हैं, टीजीटी पीजीटी वाले साथी भी, ठीक है। तो छायावादी कभी नारी के अंगों की मांसलता के प्रति आकृष्ट ना होकर, 23 नंबर का क्वेश्चन है, सभी का आंसर जा रहा है कि सर 23 में लगा दो कि ये जो कथन है 23 का कथन है डॉक्टर नगेंद्र का, डॉक्टर नगेंद्र यानी कि आपका जो ए नंबर है वो बिल्कुल सही है, ए नंबर। आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, बताओ ये कथन, आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। 24 नंबर में चश्मे, हरीश जी मैंने याद भी करवाया था इस कथन को, ट्रिक भी बताई थी इसकी, आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, बताओ। आस्था, शिल्पा जी, उपासना जी, सभी लोग चयन करो और एक बार लाइक जरूर कर देना है। आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए, और चश्मा लगा के देखते थे कौन? रामचंद्र शुक्ल, ऐसा चश्मा लगा के देखते थे, है ना। 24 नंबर का शानदार क्वेश्चन, सभी का आंसर जा रहा कि सर
यहाँ पर जो उत्तर है वो है रामचंद्र शुक्ल है ना। आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए, यानी कि कथन है रामचंद्र शुक्ल का। डी नंबर आपका सही है, कविता द्वारा असंभव को संभव किया जा सकता है, ये कथन किसका है? कविता द्वारा असंभव को भी संभव किया जा सकता है। बहुत ही शानदार, वीडियो को लाइक शेयर कर दो दोस्तों, है ना विजय शंकर जी, और अपने मित्रों तक जरूर यहाँ पर दोस्तों लेकर के जाना है ना। कविता द्वारा संभव को भी संभव किया जा सकता है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। महादेवी वर्मा, रामचंद्र शुक्ल 25 नंबर का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और सभी का उत्तर है कि सर कविता द्वारा असंभव को भी संभव किया जा सकता है, ये जो कथन है 25 नंबर में, ये कथन है महावीर प्रसाद द्विवेदी का, यानी कि सी नंबर आपका बिल्कुल सही है। महावीर प्रसाद द्विवेदी कह रहे हैं कि कविता द्वारा असंभव को भी संभव किया जा सकता है, ठीक है, वेरी गुड आंसर। प्रगतिशील कविता वास्तव में छायावाद की ही एक धारा है, दोनों स्वरों में जागरण का उदात्त संदेश मिलता है, एक में मानवीय जागरण का, दूसरे में लोक जागरण का, ये कथन किसका है? प्रगतिशील कविता वास्तव में छायावाद की ही एक धारा है, दोनों स्वरों में जागरण का उदात्त संदेश मिलता है, एक में मानवीय जागरण का, दूसरे में लोक जागरण का, बताओ ये कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, पंत प्रेमचंद या फिर नंदलारी वाजपेयी का, कथन बताना है। प्रमोद जी बताइए, राजीव जी, विभाजी, बीनू पांडे जी, 26 नंबर का बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछा गया, 26 नंबर में आप सभी साथियों का आंसर जा रहा है कि प्रगतिशील कविता वास्तव में छायावाद की एक धारा है, ये कथन किसका है? स्टेटस जी ने बताया है, फुलके बताया कि सर ये कथन है पंत जी का, सुमित्रा नंदन पंत जी का है। बी नंबर आपका बिल्कुल सही है, सूरदास ने भगवान के प्रति अनन्यगामी एकांत प्रेम को व्यक्त किया, इसी अनन्यगामी प्रेम भाव को भक्ति कहते हैं, आत्मसमर्पण द्वारा ही भक्त इस अनन्यगामी प्रेम को पाता है, ये कथन किसका है? 27 नंबर का क्वेश्चन सूरदास के बारे में बताइए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, चयन कर दो जल्दी दोस्तों, ऐसे ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। अब आप लोगों का अगर मन नहीं लग रहा है तो कोई बात नहीं है, है ना, धार ही धार जाओगे एग्जाम में। सूरदास ने भगवान के प्रति अनन्यगामी एकांत प्रेम को व्यक्त किया, इसी अनन्यगामी प्रेम भाव को भक्ति कहते हैं, आत्मसमर्पण द्वारा ही भक्त इस अनन्यगामी प्रेम को पाता है, ये कथन किसका है? 27 नंबर का क्वेश्चन है, और ये कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी का, एक कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। सूरदास जी के बारे में कहा गया कि सूरदास ने भगवान के प्रति अनन्यगामी एकांत प्रेम को व्यक्त किया, है ना, और अनन्यगामी एकांत प्रेम को एक बार व्यक्त किया क्या? बोले नहीं सर, ये अनन्यगामी एकांत प्रेम को हजारों बार व्यक्त किया, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन हो जाएगा। बी नंबर आपका बिल्कुल सही है, ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की ओर हम जाएंगे, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपके लिए आ रहा है ना, ये रहा दोस्तों, रीति ग्रंथों की परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से चली, अतः रीति काल का आरंभ उन्हीं से मानना चाहिए, ये कथन बताना है 28 नंबर में, लगभग सभी से बनेगा मनीषा जी। रीति काल ग्रंथों की परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से चली है, अतः रीति काल का आरंभ उन्हीं से मानना चाहिए, बताइए नेहा तिवारी जी, हरीश जी, आलोक जी, सभी लोग बताएंगे। वीडियो को लाइक कर दो, जिनको 3000 MCQ वाली बुक मंगवाना है दोस्तों, मात्र 599 में आप मंगवा सकते हो, 599 में, ठीक है, और जिनको विस्तृत मंगवाना है गद्य पद्य साहित्य वाली, ठीक है, तो रीति ग्रंथों की परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से चली, अतः रीति काल का आरंभ उन्हीं से मानना चाहिए, 28 नंबर का क्वेश्चन है, और राइट आंसर है कि सर ये कथन है रामचंद्र शुक्ल का, सभी को पता है क्योंकि रामचंद्र शुक्ल ने चिंतामणि त्रिपाठी को रीति काल का प्रवर्तक माना, ठीक है। नेक्स्ट है, काव्य मूल का अर्थ है वह गुण संवाद जिसके द्वारा काव्य की सिद्धि का निर्धारण किया जाता है, इस दृष्टि से मूल्य का आधार अंततः प्रयोजन ही सिद्ध होता है, ये कथन बताना है। काव्य मूल्य का अर्थ है वह गुण संवाद जिसके द्वारा काव्य की सिद्धि का निर्धारण किया जाता है, इस दृष्टि से मूल्य का आधार अंततः प्रयोजन ही सिद्ध होता है, ये कथन बताना है। रामचंद्र शुक्ल का है, नगेंद्र का, भारतेंदु या फिर नामवर सिंह का, 29 नंबर का क्वेश्चन है, 29 नंबर के क्वेश्चन में
सभी का आंसर जा रहा है कि सर काव्य मूल्य का अर्थ है, वह गुण समवाय जिसके द्वारा काव्य की सिद्धि का निर्धारण, काव्य की सिद्धि का निर्धारण कौन कर रहा है, बोले सर काव्य की सिद्धि का निर्धारण कर रहा है नांग नगेंद्र, डॉक्टर नगेंद्र। ये नंबर ए सी नंबर आपका बिल्कुल सही है 29 नंबर में। आज आपका जो रामचंद्र वाला वो चलता है ना कि जौन कथन नावा ने रामचंद्र शुक्ल लगा लो, वो नहीं चलने वाला है ना। रामचंद्र शुक्ल आपका डॉक्टर नगेंद्र आपका सही है, प्रगतिवाद उपयोगितावाद का दूसरा नाम है। 30 नंबर का क्वेश्चन है, प्रगतिवाद उपयोगितावाद का दूसरा नाम है, ये कथन कई बार पूछा गया है, बताइए। चयन करिए सत्या त्रिपाठी जी, जल्दी से चयन करो। प्रगतिवाद उपयोगितावाद का दूसरा नाम है, ये कथन किसका है, रामकुमार वर्मा का, प्रेमचंद का, रामदास मिश्र का, या फिर नंद दुलारे वाजपेयी का। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। तो ये 30 नंबर का क्वेश्चन है और 30 नंबर के क्वेश्चन में सभी साथियों का बहुत ही अच्छा आंसर जा रहा है कि सर प्रगतिवाद उपयोगिता, उपयोगिता किसकी है, और सर नंद की उपयोगिता है। नंद दुलारे वाजपेयी स्वष्टवादी आलोचक माने जाते हैं, छायावादी स्वच्छतावादी आलोचक माने जाते हैं दोस्तों नंद दुलारे वाजपेयी। प्रयोगवाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था, साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है, ये कथन किसका है, 31 नंबर। साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है, 31 नंबर का क्वेश्चन है। 31 नंबर में आपको पता है जनसमूह है, जनसमूह यानी कि जनता का समूह है। अब बताओ ये जनता का समूह है, इस जनता के समूह के बाल होते कि नहीं होते, बोले सर जनसमूह के बाल होते हैं, बाल होते हैं, बाल होते ना, तो बाल से क्या हो जाएगा, जनसमूह के बाल होते हैं, और बाल का जो है वो दोस्तों है ना, तो बाल से क्या हो जाएंगे, बाल कृष्ण भट्ट का कथन है। साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है, सभी से बना होगा, थोड़ी सी अच्छी सांस ली होगी आज थोड़ी सी है ना। यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वन स्थली है तो मुक्तक काव्य चुना हुआ गुलदस्ता, ये कथन किसका है, 32 नंबर का शानदार क्वेश्चन है। दारसू जी वीडियो को लाइक कर देना, जिन भी साथियों को दोस्तों ये हिंदी साहित्य के गद्य पद्य साहित्य वाले विस्तृत वाले नोट्स मंगवाना है ना, तो वो मात्र 1600 में विस्तृत वाले नोट्स अपने घर पर मंगवा सकते, जिसमें क्रमबद्ध टॉपिक है, ट्रिक भी है उसमें महत्वपूर्ण ठीक है। और दोस्तों यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है, 32 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया और सभी का आंसर जा रहा है कि सर ये कहा था किसने, रामचंद्र शुक्ल ने, कि यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है ना, वनस्थली देखने जा रहे हैं कौन, रामचंद्र शुक्ल, बोले सर वनस्थली छोड़ाओ रामचंद्र शुक्ल को, है ना, इतने सारे कथन लिख दिए इन्होंने तो ठीक है। तो ये आपका ए नंबर सही है। अगला क्वेश्चन है, जीवन की निरंतर विकासशील धारणाओं और आवश्यकताओं का आकलन मानवतावाद में ही हो सकता है, ये कथन। जीवन की निरंतर विकासशील धारणा और आवश्यकताओं का आकलन मानवतावाद में ही हो सकता है, ये कथन किसका है, 33 नंबर में बताइए। हरीश जी, रुद्र जी, सुमन जी, कई लोग तो हाथ ही जोड़ के क्लास से बाहर हो रहे हैं, बोले क्लास के पांव पर है नौ दुर्गा काला की सर ने तो पथरासो पटक दो, है ना। जीवन की निरंतर विकासशील धारणा और आवश्यकताओं का आकलन मानवतावाद में ही हो सकता है, ये कथन बताना है, 33 नंबर का क्वेश्चन है। और 33 नंबर के क्वेश्चन में ये कथन है दोस्तों डॉक्टर नगेंद्र का, डॉक्टर नगेंद्र बिंदुलता जी बिल्कुल सही बताया आपने, सी नंबर आपका सही है। प्रगतिवाद साहित्य मतलब उस साहित्य से है जो समाज को आगे बढ़ाता है, मनुष्य के विकास में सहायक होता है, ये कथन किसका है, 34 नंबर का क्वेश्चन है। प्रगतिवाद साहित्य से मतलब उस साहित्य से है जो समाज को आगे बढ़ाता है, मनुष्य के विकास में सहायक होता है, एक कथन किसका है, एक कथन बताना है। चयन करिए जल्दी से, इनको पढ़ना है दोस्तों, प्रैक्टिस करना है, बार बार प्रैक्टिस करनी है ना, क्योंकि ये चीज याद नहीं होती ठीक है। 34 नंबर का शानदार क्वेश्चन है और 34 नंबर में सभी लोग बता रहे कि सर प्रगतिवाद के बारे में ये कथन कहा था कि प्रगतिवाद साहित्य मतलब उस साहित्य से जो समाज को आगे बढ़ाता है, मनुष्य के विकास में सहायक होता है, ऐसा कौन कहेगा, रामविलास शर्मा कहेंगे। कल मैंने आपसे बोला था कि रामविलास शर्मा के कथन लिख करके जाना है, लेकिन आपका उत्तर यहाँ पर डी नंबर, रामविलास शर्मा ठीक है। शमशेर मूर्छ के कवि हैं किसी विजन के नहीं, शमशेर
मूर्ख के कवि किसी विजन के नहीं, बताओ। शमशेर मूर्ख के कवि हैं किसी विजन के नहीं, शमशेर बहादुर। विजय देव नारायण साई मलयज। गणपति चंद्रगुप्त शमशेर मूर्ख के कवि हैं किसी विजन के नहीं। किरण नांग जी मोहित जी 35 नंबर का शानदार क्वेश्चन है और बढ़िया से दोस्तों आपको यहां पर मिल रहे हैं, ठीक है। शमशेर मूर्ख के कवि हैं किसी विजन के नहीं, 35 नंबर में शानदार क्वेश्चन, और सभी का आंसर चला गया कि ये कहा था किसने, मलयज ने कहा था, मलयज डी नंबर। शमशेर मूर्ख के कवि हैं किसी विजन के नहीं, डी आपका बिल्कुल सही है। प्रत्येक रचना एक प्रकार से मेरी साहित्यिक श्रद्धांजलि का अभिलेख है, जिसमें बुद्धि ने प्राय भावना के अनुशासन में रहकर काम किया, ये कथन किसका है। प्रत्येक रचना एक प्रकार से मेरी साहित्यिक श्रद्धांजलि का अभिलेख है, जिसमें बुद्धि ने प्राय भावना के अनुशासन में रहकर काम किया, ये कथन बताना है 36 नंबर में। 36 नंबर का कथन है, शानदार कथन है। वीडियो को लाइक करो जल्दी से। डॉक्टर नगेंद्र, रामविलास शर्मा, रामचंद्र शुक्ल या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी, 36 में सभी लोग बताइए। प्रत्येक रचना एक प्रकार से मेरी साहित्यिक श्रद्धांजलि का अभिलेख है, जिसमें बुद्धि ने प्राय भावना के अनुशासन में रहकर काम किया, और एक कथन जा रहा है 36 में। सभी का आंसर है कि सर एक कथन है डॉक्टर नगेंद्र का, ये नंबर बिल्कुल सही है। राइट आंसर है हिंदी काव्य की सब प्रकार की रचना शैली के ऊपर गोस्वामी जी ने उच्चासन प्रतिष्ठित किया है, यह उच्चता और किसी और को प्राप्त नहीं है, ये कथन बताना है। हिंदी काव्य की सब प्रकार की रचना शैली के ऊपर, सब प्रकार की रचना शैली के ऊपर गोस्वामी जी ने उच्चासन प्रतिष्ठित किया है, यह उच्चता और किसी को प्राप्त नहीं है, ये कथन किसका है। रामचंद्र शुक्ल का, महावीर प्रसाद द्विवेदी का, बच्चन सिंह का या फिर डॉक्टर नगेंद्र का। 37 नंबर का बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछा गया है और 37 नंबर में आपका उत्तर जा रहा है 37 नंबर में कि सर ये जो कथन है ये कथन है रामचंद्र शुक्ल का, रामचंद्र शुक्ल, ये नंबर बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों, है ना। और जिनको भी एडमिशन लेना है अभी आप एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। यहाँ पर आ रहा है कि ईश्वर ने मानव के रूप में अपनी प्रतिमा का निर्माण किया, मानव के रूप में कुशल शिल्पी होने के नाते उसने प्रत्येक प्रतिमा भिन्न और अद्वितीय बनाई, भिन्न होने के कारण प्रतिमाएं प्रेम कर सकी, ये कथन किसका है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ईश्वर ने मानव के रूप में अपनी प्रतिमा का निर्माण किया, कुशल शिल्पी होने के नाते उसने प्रत्येक प्रतिमा भिन्न और अद्वितीय बनाई, जल्दी से बताइए। कोई बात नहीं है, गलती के गलत के बाद सही होता है दोस्तों। अगर आज आपकी गलती हो रही है तो आपको एक प्रेरणा मिल रही है अंदर से कि हमें इन कथन को समझना है, इन कथन को पढ़ना है, है ना। और आप इस वीडियो को दोबारा देखोगे तो तीसरी बार पूरे के पूरे कथन आपसे सही बनेंगे, है ना। ईश्वर ने मानव के रूप में अपनी प्रतिमा का निर्माण किया, 38 नंबर का क्वेश्चन है। और 38 नंबर के क्वेश्चन में सभी लोग आंसर बता रहे हैं कि सर ये जो कथन है ये कथन है अज्ञेय जी का, अज्ञेय जी का कथन है। ईश्वर ने मानव के रूप में अपनी प्रतिमा का निर्माण किया। अब बताओ, ईश्वर ने मानव के रूप में अपनी प्रतिमा का निर्माण किया मानव के रूप में। अब आपसे अगर पूछे कि ऐसी मानव के रूप में कितनी प्रतिमाओं का निर्माण किया तो आप क्या बताओगे कि ऐसी मानव के रूप में कितनी प्रतिमाओं का निर्माण किया। आप कहोगे सर अज्ञेय, लाखों लोग हैं, लाखों मानव हैं, करोड़ों मानव हैं, अज्ञेय। तो ये कथन इशारा कर रहा है अज्ञेय की ओर, ठीक है। मानव मूल्य दोस्तों, मानव मूल्य निःसंदेह जीवन के चरम मूल्य है। मानवता से अधिक उपयुक्त मानव जीवन का मानदंड क्या हो सकता है, ये कथन किसका है, बताओ। मानव मूल्य निःसंदेह जीवन के चरम मूल्य है। मानवता से अधिक उपयुक्त मानव जीवन का मानदंड क्या हो सकता है, क्या हो सकता। 39 नंबर का शानदार क्वेश्चन है और 39 नंबर के आंसर में मानव मूल्य निःसंदेह जीवन के चरम मूल्य है ये कथन है। और ये कथन है दोस्तों किसका, डॉक्टर नगेंद्र का। बी नंबर आपका डॉक्टर नगेंद्र बिल्कुल सही है, बी नंबर आपका राइट आंसर है, ठीक है। कामायनी को आधुनिक सभ्यता का प्रतिनिधि महाकाव्य किसने कहा, अच्छा क्वेश्चन है 40 नंबर में। कामायनी को आधुनिक सभ्यता का प्रतिनिधि महाकाव्य किसने कहा है, ऐसे ही कथन का आपको दोस्तों क्या करना है,
ऐसे ही कथन को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। कामायनी को आधुनिक सभ्यता का प्रतिनिधि महाकाव्य किसने कहा, 40 नंबर का शानदार क्वेश्चन है, ठीक है। इसलिए तो मैं बोलता हूं कि रिपीट करना चाहिए, बार बार अभ्यास करिए, बार बार अभ्यास करोगे शानदार क्वेश्चन यहां पर आपको मिलेंगे। कामायनी को आधुनिक सभ्यता का प्रतिनिधि महाकाव्य किसने कहा, 40 नंबर के क्वेश्चन में सभी का आंसर जा रहा है कि सर कामायनी को आधुनिक सभ्यता का प्रतिनिधि महाकाव्य कहा है किसने, ज्योति मौर्य जी बिल्कुल सही है, नामवर सेन ने कहा है, नामवर सेन, ठीक है। कामायनी को आधुनिक सभ्यता का प्रतिनिधि महाकाव्य कहा है, नामवर सेन, डी नंबर, नामवर सेन आपका बिल्कुल सही है। वात्सल्य और श्रृंगार के क्षेत्र में जितना अधिक उद्घाटन सूर्य ने अपनी बंद आंखों से किया है उतना किसकी उतना दोस्तों किसी कवि ने नहीं, इन क्षेत्रों का वह कोना कोना झांक आए है, ये कथन किसका है, ये कथन बताना है, बताइए। वात्सल्य और श्रृंगार के क्षेत्र में जितना अधिक उद्घाटन सूर अपनी बंद आंखों से दोस्तों किया है उन्होंने, उतना और किसी ने नहीं किया, ये कथन किसका है, 41 नंबर का शानदार कथन, और एक कथन है रामचंद्र शुक्ल का, ये नंबर आपका बिल्कुल सही है दोस्तों, है ना। अब अपनी शुरुआत होगी पैट क्लास में इन्हीं कथनों से, पंक्तियों से, काव्य दोष, काव्य गुण, शब्द शक्तियां, जो चीजें आपको गलत होती हैं, बाकी चीजें तो आप सही कराते हो, लेकिन अब शुरुआत होनी है ऐसी ही चीजों की जो आप हमेशा गलत करके आते हो दोस्तों, ठीक है। ये आप लोगों के लिए दिया है दोस्तों, एक आप लोग प्रैक्टिस करिए, लेकिन वास्तव में मटेरियल जो है ये पैड क्लास वालों के लिए बनाया गया है। पैड क्लास वाले बच्चे भी बहुत मेहनत कर रहे हैं, और मेहनत कर रहे हैं तो दोस्तों उनके लिए फायदा भी मिलेगा, ठीक है। तो सभी साथियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है, अध्ययन करते रहे, निरंतर इसी प्रकार से पढ़ते रहे, है ना। जिन भी साथियों ने वीडियो को लाइक नहीं किया वो वीडियो को लाइक कर लें, शेयर कर दें दोस्तों, है ना। और जो भी हमारे साथी जिनको एडमिशन लेना है, अभी ऑफर है, मात्र 1200 में 12 महीने के लिए ऑफर ले सकते हैं, हिंदी साहित्य का रेगुलर अध्ययन कर सकते हैं। न्यू अकेडमी जी, दीक्षा एसपी चतुर्वेदी जी, आशु जी, सुरेंद्र जी, रमा शर्मा, मनीषा गिल जी, ठीक है, हरीश जी, उर्मिला जी, अनंत जी, पायल जी, ठीक है, रेखा जी, ज्योति जी, संजय जी, नगेंद्र जी, दीपक पवार जी, ठीक है, आरती जी, उत्कर्ष जी, शिक्षा तनु जी, है ना, कंचन जी, अंश यादव जी, बहुत बढ़िया, सभी साथियों के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक शेयर करते रहें, जुड़े रहें दोस्तों अपने सेल्फ स्टडी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर, जहां पर आपको निरंतर नई नई चीजें भी मिलती हैं, नई नई चीजें उठा उठा के लेकर के आते हैं दोस्तों, और बहुत सारी चीजें आप लोगों को भी पढ़ाते हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया, सभी को धन्यवाद, जय हिंद।